शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या है भाई, शादी इसकी हो रही है, तुम काहे के लिए शुक्रिया 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 कर रहे हो? चलो कर रहे हो तो लो मिठाई खाओ। कैसी लगी? लेकिन चाचा जान, आपने तो मिठाई खिलाई नहीं। खिलाने वाले की नीयत देखनी चाहिए, उसका हाथ नहीं देखना चाहिए। नीयत थी ना तो मिठाई की क्या जरूरत। चाचा जान, ऐसी मिठाई मैं आपको खिलाऊं? मैं नहीं खाता, मुझे डायबिटीज है। हैं? अंकल अंकल क्या? मैं अपने मम्मी डैडी को ले आता हूँ और उनके आते ही मंगनी। अरे कमाल के आदमी हो, मंगनी भी खर्चा करोगे? नहीं, मंगनी को मारो गोली। आते महीने की 15 तारीख को मंगनी के पैसे में ही शादी कर डालते हैं। अरे भाई आप वहां रखिए, चलिए देर हो रही है। और बेटी तू क्या कर रही है, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, बारात जाने का वक्त हो रहा है। हेलो, जगमोहन जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोल रहा हूँ। आपको एक बहुत बुरी खबर देनी है, जिस बस से बारात आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। बस का एक्सीडेंट हो गया? और जितने भी बाराती थे सब के सब मारे गए। क्या और डॉक्टर रोहित को बचा नहीं सके? पगली वो खबर झूठी थी। हाँ ये देखो, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये देखो ये वही हाथ है, ये वही हाथ है जो तुम्हारे थप्पड़ को रोक लिया करते थे, ये वही आँख है जो तुम्हें देख के मिस लिया करता था मैं, ये वही होठ है जो तुम्हें देख कर सिटी पे जाया करते थे। तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें देखने आऊंगा। तुम आराम करो, मैं आऊंगा। मिस्टर अमर, सीमा को ठीक करने के लिए ऐसा कौन सा इलाज है जो हमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारी एक नजर ने जो काम किया है उसके आगे हम बेबस हो गए। थैंक यू डॉक्टर। अब तो सीमा का एक ही इलाज है। रोहित, मिस्टर अमर, बड़ी मेहरबानी होगी इस गरीब बाप पर अगर आप सीमा की जिंदगी में रोहित बनकर आए। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके वक्त की कीमत को जानता हूं मिस्टर अमर, लेकिन एक मासूम की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती। और जब उसे असलियत का पता चलेगा तो उस मासूम की जान का क्या होगा, जानते हैं आप? उसकी जान जा सकती है। नहीं नहीं बेटा, ये नौबत आने से पहले मैं उसे समझा दूंगा कि तुमने जो भी किया उसे एक नई जिंदगी देने के लिए किया। तब तक उसमें यह दर्द सहने की ताकत भी आ जाएगी और उस लायक भी हो जाएगी। पर तब तक मैं उसे यह भी बता दूंगा कि उसका रोहित जिंदगी में नहीं रहा। नहीं वो सब कुछ नहीं, मैं इस तरह किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता, ये नामुमकिन है। यक, मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं एक बाप होकर अपनी बेटी को धोखा दे रहा हूं, क्या करूं? मजबूर हूं, बहुत ज्यादा मजबूर हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं दामन फैलाता हूं, मेरी बेटी की जिंदगी मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हारे पैर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, ये गाड़ी क्यों रोकी तुमने? तुम्हें याद नहीं, हम यहाँ अक्सर मिला करते थे। हाँ। क्या ढूंढ रही हो सीमा? रोहित, मैं वो पेड़ ढूंढ रही हूँ जिस पर हमारे नाम लिखे थे। कहाँ गया? मिल गया रोहित, देखो। अब
मिसेस गायकवाड़। रोहित अरे कैसे है तू? ठीक हूँ। आप मिसेस गायकवाड़? भूल गया क्या मेरे को? मिसेस गायकवाड़। अरे जब मेरे को मालूम पड़ा ना तू जिंदा है ना, मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जब मैंने सुना कि तू मर गया है, अरे मैं रोज रोज सोच सोच के रोती थी। कितना हलकट था रे तू, कितना रुला है मेरे को। याद है तू लड़की बनकर आया था एक दिन हॉस्पिटल में। कंग्रेचुलेशन सीमा, तेरे को तेरा चालू मिल गया। आज शाम को हम लोग एक पार्टी रख रहे हैं। मी आएगी ना? हाँ मी आएगी, ऐसा कि सब मी आएगी। गायकवाड़ हाय, पग मी आ गई ना। जरा वापिस चला तू, चल 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 चल, रखो इधर, तुम जाओ जरा हवा खा के आओ। भाई साहब आप जरा चलेंगे, जरा घर की बात है। क्या है भाई, मेरा दिवाला खसका हो गया? ये इतना बड़ा बड़ा पैक बना के दे रहे हो, क्या नहलाओगे लोगों को? सर लोग मांग रहे हैं तो मैं क्या करूं? लोग मांगेंगे तो क्या पूरा बार उठा के दे दोगे? यहाँ ये विस्की, जिसने ज्यादा नहीं चूस की उसकी जिंदगी दुनिया से खिसकी। जिंदगी दुनिया से खिसकी जी, इसको ज्यादा पीने से हार्ट अटैक हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी फ्लॉप हो जाती है, गुर्दे फ्लॉप हो जाते हैं, दुनिया की हर बीमारी हो जाती है। ज्यादा पीने के बाद सड़क पे जाके बेहोश हो जाता है, घर जाके बीवी बच्चों को मारते हैं, बीवी बच्चे उसको मारते हैं। विस्की दुनिया में बदनाम हो जाएगी, लोग फिर विस्की से ऐसे डरेंगे जैसे प्लेग से डरते हैं। तू क्या चाहता है, विस्की दुनिया में बदनाम हो जाए? बस कीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? उठ बैठ करो और क्या करोगे? नहीं सर, मेरा मतलब है कोई विस्की मांगे तो मैं क्या करूँ? एक काम करो, कोई फुल पैक मांगे तो उसको आधा पैक देना, और जो आधा पैक मांगे उसे उसको खाली सोडा देना पानी मिला के। Just one second. Rohit. I'm so happy to see you. Come, let me just introduce you to my friends. आज की पार्टी बहुत बहुत अच्छी है सर। आपका पहला ग्लास है, मेरा पांचवा है, लेकिन पहले जैसा लगता है। पियो। It's a pleasure to meet you. Yeah. Rohit, कैसा है रे तू? Yeah. Excuse me, sir. और कैसे मिजाज है आपके? Yes. Rohit, यार मैं तुमको उस जमाने से जानता हूँ जब तुम चट्टी पहन के घुमा करते। बचपन से जानते, जरा सुधार के बोलिए इस बात को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ था, चेकअप हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ था? खड़क सिंह जी, मैं तो खड़ा हूँ सर, काफी देर से खड़े हैं, प्लीज जरा घूम के आते हैं। उधर मजा नहीं है, बहुत मजा, आप चलिए तो सही है, ऐसे घूमते हुए चलिए, चलिए ऐसे ऐसे घूमते रहिए, ऐसे शाबाश सर। उस दिन मेडिकल चेकअप हुआ तो उसमें क्या हुआ था? जी सर, थोड़ी सर।